अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? सबको मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ सब सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ अनार और सेब के जूस की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसके लिए मैंने अनार लिया है, इस तरह से अच्छे से उसे निकाल लिया है। इसके साथ हम सेब लेंगे, दो सेब हैं ये, इस तरह से अच्छे से छील लिए हैं। चीनी लेंगे हम हसबे ज़रूरत, जितनी हमें ज़रूरत होगी। एक चुटकी नमक शामिल करेंगे और कुछ बर्फ़ शामिल करेंगे, साथ में हम हाफ गिलास पानी का। अब बनाना स्टार्ट करेंगे। एक जग लेंगे, उसमें हम अनार शामिल कर देंगे, सबसे पहले सेब शामिल करेंगे। अक्सर लोगों को सेब पसंद नहीं होता, तो वो इस तरीके से सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक बनेगा। नमक शामिल करेंगे, चीनी शामिल करेंगे तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 टेबलस्पून। अब बर्फ़ शामिल कर देंगे साथ ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को भी ऑन कर दें। अब हम पानी शामिल करेंगे तकरीबन 1 गिलास। अब हमें इसे अच्छे से ब्लेंड करना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट ब्लेंड करेंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अक्सर लोग सेब खाना पसंद नहीं करते, तो वो प्लीज़ इस तरीके से ये ड्रिंक बना के पिएगा, बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक है, हेल्थी है। जो भी ड्रिंक्स होती हैं प्लीज़ घर पे बना के पिया करें, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है बाहर की निस्बत। अच्छे से 3 से 4 मिनट इसे ब्लेंड करेंगे हम। इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तकरीबन मुझे ब्लेंड करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से ब्लेंड करूँगी मैं। ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है जैसे आप देख रहे हैं। अब हम एक बाउल लेंगे, उस पर एक छन्नी रख देंगे इस तरीके से, और इसे छान लेंगे ताकि अनार की जो गुठली है वो इसे में अच्छे से निकल जाए। इस तरह से आप देख रही हैं जूस हमने अच्छे से छान लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एंड में जो है ये सब कुछ हमने निकाल लिया है इस तरह से। अब जूस को मैं दोबारा जग में ट्रांसफ़र कर दूंगी इस तरह से। 2 गिलास लेंगे, इनमें हम अपना जूस शामिल करेंगे। प्लीज़ बनाइएगा, मेहमानों को भी सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसका कलर चेक कर लें माशाल्लाह से, और टेस्ट में ये ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा। मेरे कहने पर ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। इसी तरह हमारा साथ देता रहा करें, और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक तोहफा होता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।